सो नाउ स्टार्ट विद द थर्ड लेक्चर ऑफ कार्बन एडिट्स कंपाउंड्स तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेचूरेटिड एंड अन सेचूरेटिड हाइड्रोकार्बन्स तो हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड होते हैं जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन मिल के कंपाउंड बनाते हैं बट क्या कार्बन हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट के साथ भी कम्बाइन कर सकता है ठीक है यस ये हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम्स के साथ भी कंबाइन करता है फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन सल्फर हेलोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस ओके तो हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि सी एच फोर है तो देखिए सी एच फोर को हम और कैसे लिख सकते हैं सी एच थ्री एच ठीक है अब यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन को हटा के कोई एक नया एटम इसकी जगह लगा देते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एल या सी एच थ्री बी आर तो यहाँ पर मैंने क्या किया एक हाइड्रोकार्बन लिया जैसे मिथेन इससे एक हाइड्रोजन को किसी दूसरे एटम के साथ रिप्लेस कर दिया ठीक है तो जब भी आप ऑक्सीजन सल्फर हेलोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे किसी कंपाउंड में तो आपको उसको कहाँ लगाना है हाइड्रोजन की जगह पे लगाना पड़ेगा ठीक है तो दीज एलिमेंट्स देखिए ये लिखा गया यहाँ पे दीज एलिमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन हाइड्रोकार्बन चेन बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन्स एंड आर कॉल्ड हीट्रो एटम्स कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन और जिसको नए एटम को आप लेके आए हो दैट इज कॉल्ड हीट्रो एटम तो यहाँ पर जो ये क्लोरीन है क्लोरीन को क्या कहेंगे हम हीट्रो एटम तो हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम आप लगाते हैं कार्बन के साथ चाहे वो ऑक्सीजन हो सल्फर हो हेलोजन नाइट्रोजन या फॉस्फोरस दीज आर कॉल्ड हीट्रो एटम्स। अब एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने की है अब जैसे यहां पर हमने क्लोरीन को यहां पर हमने रिप्लेस किया हाइड्रोजन के साथ मान लीजिए आपने ओ एच को रिप्लेस किया ठीक है हाइड्रोजन के साथ मतलब हाइड्रोजन को हटा के ओ एच लगा दिया ओ एच ग्रुप क्या बनाता है एल्कोहल फैमिली ठीक है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हमने हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर दिया ठीक है तो बेसिकली हम ओ एच को एज ए ग्रुप मानते हैं और ओ एच ये क्या बनाता है अल्कोहल फैमिली देता है तो अब ये क्या बन गया इस कंपाउंड का नाम है मिथेनोल ये अल्कोहल फैमिली आ गई ठीक है वैसे ही हाइड्रोजन को हटा के आप सी एच थ्री एन एच टू भी लगा सकते थे एनएच टू कौन सी फैमिली बनाती है ये फैमिली है अमीन्स की ठीक है तो इसका नाम है मिथेनामीन तो डिफरेंट डिफरेंट हम यहां पर बाहर से एटम्स लगा सकते हैं हाइड्रोजन की जगह पे अब किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखिए एनी हाइड्रोकार्बन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आर एच ठीक है वेयर आर इज अल्काइल पार्ट फॉर एग्जाम्पल आर एच का मतलब है कि अगर आपके पास मिथेन है तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं सी एच थ्री एच तो यहाँ पर जो सी एच थ्री है इसको क्या लिखेंगे हम अल्काइल मतलब एक कार्बन है तो मिथाइल हो गया ठीक है इसको हमने लिख दिया मिथाइल ग्रुप वैसे ही आपके पास अगर सी टू एच सिक्स है तो इसको आप सी टू एच फाइव और सिंगल एच लिख सकते हैं तो ये जो सी टू एच फाइव है इसको क्या बोलेंगे हम दो कार्बन का ग्रुप है तो ये इथाइल ग्रुप तो जनरल वर्ड हो गया अल्काइल सिंगल कार्बन होगा का तो मिथाइल टू कार्बन है तो इथाइल ठीक है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि, कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम आर एच की तरह से लिख सकते हैं वैसे ही सी थ्री एच एट अगर है तो ये क्या हो जाएगा सी थ्री एच सेवन एच लिख सकते हैं तो सी थ्री एच सेवन को तीन कार्बन का क्या बनेगा प्रोपाइल ग्रुप ओके तो ये होता है तो ये कभी भी अगर आप किसी कंपाउंड में आर दिखते हैं तो आर का मतलब अल्काइल है अब अल्काइल वो एक कार्बन वाला हो सकता है दो कार्बन वाला तीन कार्बन कुछ भी वो एक अल्काइल चेन है चाहे अब देखिए यहाँ तो मैं सिंगल बॉन्ड वाले ले रहा हूँ सेचूरेटिड बट आर आपका अनसेचूरेटेड वाला भी हो सकता है ठीक है बट उसके नाम जो होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे वो सिंपल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल से थोड़े डिफरेंट होंगे अगर आपके आर में डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहे हैं तो बस उसको आप ध्यान रखिए कि उसको हम आर लिख सकते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में एच हटा के बाकी जो सारा का सारा पार्ट है दैट इज कॉल्ड आर ओके तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम हीट्रो एटम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे एक हाइड्रोकार्बन चेन में ठीक है तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल इज अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन में हेलोजन को इंट्रोड्यूस करते हैं ठीक है तो यहां पर हम लिख देते हैं हीट्रो एटम कौन सा हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसको कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा ठीक है और उसका फॉर्मूला क्या होगा तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोड्यूस करें हेलोजेंस को ठीक है हेलोजन आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो सकती हैं तो इसका फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या होता है फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो उस कंपाउंड की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है कि वो कंपाउंड किस तरह की प्रॉपर्टीज शो करेगा किस तरह के रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा ठीक है वो सारे के सारे जो उसके फंक्शंस हैं उनको डिफाइन करने वाला जो ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्यों होती हैं इसमें लगे हुए ओ OH ग्रुप की वजह से तो ओ OH इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है इसलिए ओ OH इसका फंक्शनल ग्रुप है वैसे अमीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ एन ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है ठीक है तो हेलोजेंस में जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम बोलते हैं हेलो ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो ठीक है फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरो आयोडीन लगा है तो आयोडो और इनका फॉर्मूला कैसे होगा ठीक है आर सी एल लिख सकते हैं आर बी आर लिख सकते हैं आर क्या है अल्काइल पार्ट ठीक है यहां पर एग्जाम्पल लेंगे हम तो सी एच थ्री सी एल हाइड्रोजन अटैक हमने ये लगा दिया या मान लीजिए सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू अब एच की जगह हम यहां पर ब्रोमीन लगा देते हैं ठीक है क्या डबल बॉन्ड भी आपके हो सकते हैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू चलिए बी आर लगा दिया या क्लोरीन लगा दिया ओके या सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच बी आर तो यहां हमने ब्रोमीन लगा दिया ठीक है बट यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है जब डबल बॉन्ड आपका इंट्रोड्यूस हो गया तो डबल बॉन्ड में फंक्शनल ग्रुप ऑफ ब्रोमीन नहीं रह जाएगा वो डबल बॉन्ड होगा तो इसकी ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं ये तो आप इलेवंथ में जब नॉर्मल क्लीचर एज ए चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको समझ आएगा बट यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल देने का मतलब ये है जस्ट कि आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो किसी हेलोजन के साथ ठीक है तो ये एग्जाम्पल है बट अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपने ये एल्कीन वाले एग्जाम्पल अभी नहीं देने हैं ठीक है अभी ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए आप हमेशा एल्केन में ही सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ही हाइड्रोजन की जगह हेलोजन लगाएंगे सेकंड ये अगर हम ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करें ठीक है ऑक्सीजन को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकता है तो देखिए फंक्शन ग्रुप आपका हो सकता है अल्कोहल ठीक है जिसमें क्या लगाते हैं हम ओ एच तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है आर ओ एच ठीक है जैसे कि सी एच थ्री ओ एच हो गया या सी एच थ्री सी एच टू ओ एच हो गया यहाँ पर आप डबल बाउंड भी लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो बस ओ एच ग्रुप होना चाहिए फिर ऑक्सीजन से एक अल्डीहाइट ग्रुप भी बनता है ठीक है जो होता है C डबल बॉन्ड O H सी एच ओ तो R सी एच ओ इस तरह के कंपाउंड बनेंगे फॉर एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच ओ या सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच फिर आगे सी एच ओ तो यहाँ फंक्शन ग्रुप क्या है ये सी एच ओ पार्ट अल्कोहल में फंक्शन ग्रुप क्या है ये ओ एच पार्ट वैसे ही अल्डीहाइट के बाद एक और आप कंपाउंड यहाँ पर हम फैमिली बना सकते हैं दैट इज कीटोन कीटोन में होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये लगा होता है इसके दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए अल्डीहाइड में क्या है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लेफ्ट में मैंने कुछ नहीं लिखा मतलब लेफ्ट में बॉन्ड है वो कार्बन के साथ लगा हुआ है मेन चेन आर के साथ लगा हुआ है और राइट right साइड में हाइड्रोजन है कीटोन में क्या होता है कि लेफ्ट साइड में भी मेन चेन होगी राइट right साइड में भी मेन चेन ही होगी मतलब लेफ्ट साइड में भी आर होगा राइट right साइड में भी आर अब वो आर डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो सकता है ओके okay. जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लें लेफ्ट में भी सी थ्री लगा देते हैं हम right राइट में भी सी थ्री लगा देते हैं ठीक है तो सेम हो गए और ये हो सकता है कि लेफ्ट में सी एच थ्री सी एच टू लगा दिया राइट में सिर्फ सी एच थ्री रखा तो दोनों तरफ लगने वाले आर ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं उनमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है तो फंक्शनल ग्रुप जो यहां पर है दैट इज दिस सी डबल बॉन्ड ओ ठीक है दिस इज कॉल्ड कीटोन फैमिली फिर एक और फैमिली बनती है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूले तो आपने पढ़े होंगे इनमें सी ओ एच ग्रुप रहता है ठीक है तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि सी एच थ्री सी ओ एच सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी ओ एच ठीक है तो कैसी भी चेन हो करना क्या है आपको सी ओ एच ग्रुप उसमें अगर प्रेजेंट है तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली को बिलोंग करता है और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है वैसे ही एक होता है एस्टर जहाँ पर सी ओ ओ आर ग्रुप यहाँ पर लगता है आर इज़ क्या पढ़ा है हमने अल्काइल अल्काइल का मतलब है कुछ भी हो सकता है अल्काइल होना चाहिए जैसे सी एच थ्री सी ओ ओ आर अब आर को मैं सी एच थ्री भी लिख सकता हूँ इसको मैं सी टू एच फाइव भी लिख सकता हूँ इसको सी थ्री एच सेवन भी लिख सकता हूँ ठीक है डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़ हो सकती हैं तो लेफ़्ट में आपकी चेन कैसी है कितनी लंबी है ठीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सी ओ ओ ये लीजिए सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू इस तरह से लिख दिया तो यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज दिस ओ ओ ओ आर ये इसका आर वाला पार्ट है ठीक है तो चाहे इसमें सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो ये जस्ट एक अल्काइल पार्ट है तो आई थिंक एस्टर भी समझ आ गया तो ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करके हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना सकते हैं वैसे ही नाइट्रोजन को अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो क्या क्या बन जाएगा अमाइंस ठीक है अमाइन अभी तो आप याद रखें सिर्फ एन एच टू अमाइन में आगे वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री अमाइंस होती हैं तो अभी सिर्फ हम पढ़ेंगे एन एच टू ग्रुप लगना चाहिए मतलब आर के आगे एन एच टू लगा हुआ हो जैसे सी एच थ्री के आगे एन एच टू लगा दिया सी एच थ्री सी एच टू इसके आगे हमने NH2 ग्रुप लगा दिया डबल बॉन्ड आपको लगाना है बीच में आप लगा सकते हैं ओके okay, तो इस तरह से और भी बहुत सारे डिफरेंट इसके एग्जांपल हैं बट ये कुछ सिंपल एग्जांपल, तो अमाइन हमने लगा दिया अब और क्या हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं देखिए और क्या हमने यहां पे लिया था ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करके हमने देख ली हेलोजन इंट्रोड्यूस कर दिया नाइट्रोजन कर दिया सल्फर तो सल्फर वैसे ही लगता है जैसे ऑक्सीजन लगती है जैसे ओ OH आपने लगाया ठीक है तो सल्फर वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको जनरली डिफरेंट डिफरेंट नाम से आप उनको यूज कर सकते हो जनरली एक वर्ड यूज़ किया जाता है ठीक तो है, है तो यहां पर एस एच लगता है ठीक है ये कॉमन एक ग्रुप है तो यहां पर जैसे आर ओ एच आपने लगाया था आर एस एच लग जाएगा तो जैसे कि सी एच थ्री एस एच सी एच थ्री सी एच टू एस एच तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हम लगा सकते हैं तो अब हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं ऐसे ग्रुप एटम भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं जो किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हों उसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करते हों दोज़ आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स ठीक है तो दैट इज़ क्लियर तो फंक्शनल ग्रुप बहुत ज़्यादा होते हैं इथर होते हैं फिर हमारे असाइल हेलाइड्स होते हैं एल्कीन भी फंक्शन ग्रुप है एल्काइन अपने आप में एक फंक्शन ग्रुप है अमाइड्स हैं तो वो ज़्यादा डिटेल हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे ओके okay. अब देखते हैं नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज तो प्रीवियस लेक्चर में हमने होमोलोगस वर्ड यूज किया था तो मैंने आपको कहा था कि मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन में किस किस चीज का डिफरेंस आ रहा है सिर्फ एक सी एच टू ग्रुप का तो अगर जनरल एग्जांपल लें जैसे अगर हम एल्केन्स का ही एग्जांपल लेते हैं तो सी एच फोर है फिर सी टू एच सिक्स सी थ्री एच एट सी फोर एच टेन तो इनके बीच में किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है सी एच टू ग्रुप का एक एक सी एच टू ग्रुप ऐड करते जाएंगे तो हमें ये अगला स्ट्रक्चर मिलता जाएगा और ये सारे किस फैमिली को बिलोंग करते हैं एल्केन फैमिली को वैसे ही अगर हम एल्कोहल फैमिली में देखें तो एल्कोहल फैमिली में सिंगल कार्बन वाला आ जाएगा सी एच OH, थ्री ओ एच दो कार्बन वाला आएगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच तीन कार्बन वाला सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच ओके तो यहाँ पर भी किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है एक सी एच टू ग्रुप आप ऐड कर रहे हो ठीक है देखिए यहाँ पर ये वाला सी एच टू हो गया यहाँ पर ये सी एच टू हो गया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ही फैमिली में नेक्स्ट से नेक्स्ट मेंबर जाने के लिए हम सिर्फ सी एच टू ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो ये जो एक सीरीज बन रही है कंपाउंड्स की इस सीरीज को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज ओके तो होमोलोगस सीरीज की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन होगी अ होमोलोगस सीरीज इज ज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजली लिस्टिड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज की इंक्रीजिंग साइज के ऑर्डर में उन्हें हमने लिखा है having same functional group and differing by ch2 groups एडजेंट में तो क्या होगा होमोलोग क्या है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जैसे अल्कोहल में ले लिया हमने ठीक है तो एक ग्रुप है क्योंकि सीरीज है लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज जैसे यहां पर एल्केन में सी एच फोर से बड़ा साइज हो गया सी टू एच सिक्स का इससे बड़ा सी थ्री एच एट फिर सी फोर एच टेन फिर सी फाइव एच ट्वेल्व तो एक इंक्रीजिंग साइज़ में हम चल रहे हैं सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए ये नहीं कि आप एल्केन की होमोलोगोस सीरीज में बीच में एल्कोहल डाल दें या कीटोन डाल दें कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दें अगर एल्कोहल की सीरीज है तो सभी एल्कोहल होने चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड की है तो सभी कार्बोक्सिलिक एसिड होने चाहिए ठीक है तो फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए और जो एडजेसेंट मेंबर्स हैं उनमें एडजेसेंट का तो मतलब जिनमें एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है तो एडजेंट मेम्बर्स में सिर्फ एक सी एच टू ग्रुप का डिफरेंस आना चाहिए ओके okay? तो ये बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है तो ये होमोलोगस सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन आपको इलेवेंथ क्लास में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ आपको क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन होमोलोगस सीरीज एंड व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ठीक है तो अभी हमने डिफाइन भी कर दिया करेक्टरिस्टिक्स को भी हम थोड़ा देख लेते हैं तो पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके तो एल्केन्स का एलके्पल और अल्कोहल का हमने देख लिया अब एल्डिहाइड्स के एग्जाम्पल इसमें लिखे हम तो एल्डिहाइड सबसे सिंपलेस्ट होता है एच सी एच ओ इसमें एक सी एच टू एड कर दो तो क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच ओ एक और सी एच टू एड कर दो तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ एक और ऐड कर दोगे तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच ओ ये एल डी के लिए हो गया देन कीटोन्स के लिए तो सिंपलेस्ट कीटोन है उसमें दोनों तरफ कार्बन तो होना चाहिए तो ये तीन कार्बन का होगा अब लेफ्ट साइड हम एक एक सी एच टू एड करते जाएंगे ठीक है आप राइट right में भी ऐड कर सकते हैं बट सिंप्लिसिटी के लिए हम लेफ़्ट साइड में ऐड कर रहे हैं फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है फॉर्मिक एसिड एच सी ओ एच एक सी एच सी एच टू एड करेंगे तो सी एच थ्री सी ओ एच एसिटिक एसिड जो आपके घर में सिरका होता है विनेगर वो क्या होता है बेसिकली एसिटिक एसिड ओके फॉर्मिक एसिड किसमें मिलता है चींटियों में एंट्स में ठीक है तो वहां से वर्ड आता है फॉर्मिका तो उसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है तो सी एस थ्री सी ओ एच के बाद सी एस थ्री सी एच टू सी ओ एच देन अमीन्स आर एन एच टू में सिंपलेस्ट आ जाएगा सी एस थ्री एन एच टू देन सी एस थ्री सी एच टू एनएच टू तो इस तरह से आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि ये एक होमोलोगस सीरीज है क्योंकि हम इंक्रीजिंग साइज की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे हम साइज बढ़ा रहे हैं ठीक है बाय एडिंग सी एच टू ग्रुप अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ लेते हैं ठीक है जो हमने इलेवंथ में करना है अगर उसको थोड़ा सा भी हम देख ही लेंगे तो बेटर है आपको इलेवंथ में वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा तो देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ठीक है कि इसके क्या क्या करेक्टर्स होते हैं सबसे पहली चीज सेम फंक्शन ग्रुप द मेंबर्स ऑफ अ सीरीज एक होमोलोग सीरीज के हैव सेम फंक्शन ग्रुप एंड आर कॉल्ड होमोलोग्स ठीक है होमोलोग तो एक एक मेंबर को होमोलोग कहते हैं पूरी सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहते हैं सेकंड, टू एडजेसेंट या टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स डिफर By CH2 group or 14 और कि एक कार्बन का कितना वेट होता है 12 amu दो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 तो अगर आप मास का डिफरेंस देखें तो 14 amu का मास डिफरेंस होगा और अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा थर्ड थीम ठीक है थर्ड कैरेक्टर क्या है दे हैव सेम जनरल फार्मूला जनरल फार्मूला का मतलब जैसे कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है सी एन एच टू एन प्लस टू ओके और एल्कीन का सी एन एच टू एन एल्काइन का सी एन एच टू एन माइनस टू तो इनके सबके जनरल फार्मूला सेम होते हैं ठीक है तो इसमें अगर जनरल फार्मूला हम लिख दें तो सारे के सारे जो एल्केन फैमिली के हैं वो सी एन एच टू एन प्लस टू को ओबे करेंगे फार्मूलाज को एल्की वाले सी एन एच टू एन एल्काइंस सी एन एच टू एन माइनस टू देन एल्कोहोल्स में क्या किया था? तो हमने एक हाइड्रोजन को हटा के ओ OH एच लगाया था तो सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच मतलब जो एलकेन था आपका एलकेन में सी हाइड्रोजन कितने थे टू एन प्लस टू एक हटा दो और ओ OH एच लगा दो तो टू तो एन प्लस वन रह जाएंगे और एक ओ OH एच लग जाएगा और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी एन एच टू एन प्लस टू ओ क्योंकि एक हाइड्रोजन जो है इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो फिर से हाइड्रोजन टू एन प्लस टू हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन रह जाएगा अब इसमें ध्यान रखना है कि ये जो एल्कोहल का फॉर्मूला लिखा गया है ये कौन से हैं सेचुरेटिड एल्कोहल क्योंकि ये एल्केन से बने हैं इनमें पहले ही कोई कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ठीक है तो ऐसा मत करना कि कार्बन कोई अल्कोहल था उसमें डबल बॉन्ड था ट्रिपल बॉन्ड था और आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ये फार्मूला आया है एल्केन से इसलिए ये सेचूरेटेड एल्कोहल्स का होगा ठीक है तो ये कुछ जनरल फार्मूलाज हैं तो सारे के सारे अल्कोहल जैसे मिथेनोल इथेनोल प्रोपेनोल ब्यूटेनोल इसी फॉर्मूला को ओबे करेंगे ठीक है एग्जाम्पल देख लीजिए एन की वैल्यू हम तीन डालते हैं तो सी थ्री एच कितना आएगा थ्री टू टू सिक्स टू एट सी थ्री एच एट ओ अब इसको ड्रॉ करें तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच तीन कार्बन है आठ हाइड्रोजन है ठीक है और एक ऑक्सीजन है तो ये क्या है प्रोपेनोल दो कार्बन के लिए ट्राई कर सकते हैं चार कार्बन के लिए पांच कार्बन के लिए तो डिफरेंट डिफरेंट तो इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है तो वैसे ही एल्डिहाइड्स के लिए हमने क्या किया था एक हाइड्रोजन हटा के सी एच ओ लगा दिया था तो टू एन प्लस वन सी एच ओ ठीक है ये आपको इजी रहेगा याद करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या किया था हमने एक हाइड्रोजन हटा के COH एच लगा दिया था सी एन एच टू एन प्लस वन सी ओ एच तो इस तरह के इत, मतलब सबके जनरल फॉर्मूला सेम होंगे क्योंकि सभी मेंबर एक फैमिली को बिलोंग करते हैं तो योग्य तीन पॉइंट्स फोर्थ अब क्योंकि सबके फंक्शनल ग्रुप सेम हैं तो फंक्शनल ग्रुप ही हमारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं ठीक है इसलिए जब फंक्शनल ग्रुप सेम है फैमिली सेम है तो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी सेम होंगी तो मेंबर्स हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो सभी अल्कोहल में होगी ठीक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होते हैं तो सारे ही होंगे हाँ कुछ ज़्यादा एसिडिक होंगे कुछ कम होंगे बट एसिडिक तो होंगे तो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी ठीक है पर केमिकल प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस है वो आता जाएगा साइज जैसे बढ़ता जाएगा तो थोड़ा थोड़ा सा है कि, कि किसी की रिएक्टिविटी ज्यादा है किसी की रिएक्टिविटी थोड़ी कम है ओके okay? फिर आप बोल सकते हो कि द मेंबर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेम मेथड ऑफ प्रेपरेशन कि जिस मेथड से आप एक अल्कोहल बना सकते हैं उससे दूसरा भी बना सकते हैं तीसरा भी बना सकते हैं ये जनरली कभी कभी हो सकता है कि बीच में कोई पर्टिकुलर कंपाउंड ना बने उस मैम उस मेथड से बट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर एक फैमिली का एक मेंबर आपने एक मेथड से बना दिया तो उसी मैथड से आप दूसरे मेंबर्स को भी बना सकते हैं ओके okay? तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपने एक बार पढ़ने हैं अच्छे से इनको समझना है तो नेक्स्ट क्लास में जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये काफ़ी इजी लगेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी ये पहले पढ़ा होगा ओके okay? तो होमोलोगस सीरीज इज डन अब आपकी जो एक्टिविटी 4.2 है एन बुक में उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस नॉलेज के बेस पे ओके okay? तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम नॉर्मन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स तो नॉर्मन क्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि कार्बन कंपाउंड्स लाखों की संख्या में हैं तो अगर आपको रेंडमली कोई एक कंपाउंड का नाम बताना है या आप कोई रिसर्च कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं और आप दूसरे से बात करके उस कार्बन कंपाउंड के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो उसको किस नाम से आप बोलेंगे तो कुछ नाम होना चाहिए पर क्या आप नब्बे लाख के आसपास कार्बन कंपाउंड्स को रेंडमली नाम रखते हैं जैसे आपका नाम घर वालों ने सोचा और कुछ एक नाम रख दिया जो उनको अच्छा लगा ठीक है कोई सेट ऑफ़ रूल्स तो नहीं थे कि इस डेट को बच्चा पैदा हुआ है या इस टाइम पे हुआ है तो ये 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 तरीका है ये रूल्स ओबे करने हैं और ऐसे आपको नाम रखना है ऐसा तो नहीं करते ठीक है हम अपनी मर्जी से कोई नाम ले लेते हैं तो आपने मान लीजिए किसी एक कंपाउंड को अपना कुछ नाम दे दिया अब आप दूसरी किसी कंट्री में हैं या मान लीजिए किसी और जगह पे जा रहे हैं वहाँ पर आप अपने नाम से अगर उस कंपाउंड को बोलेंगे तो दूसरों को तो नहीं पता ना आप किस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड हर एक कंपाउंड का एक पर्टिकुलर नाम होता है ताकि आप किसी भी कंट्री में जाएँ कहीं भी जाएँ उस नाम पर सभी जानते हैं कि ये किस कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हमें एक सेट ऑफ रूल्स को ओबे करना पड़ता है एक रूल होता है कितनी लेंथ होगी चेन की क्या क्या ग्रुप लगे होंगे तो कैसे उसका नाम रखा जाएगा तो ये रूल बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज आई यू पी ए सी दैट इज आई थिंक आपने ऑलरेडी इसका नाम सुना होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ठीक है तो आई यू पी एस सी नॉमन क्लेचर हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल यूनियन ने जो रूल्स बनाए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज़ के जो मेम्बर हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग कैसे की जाती है तो जब हम नेमिंग करते हैं तो एक तरीका होता है कुछ नाम हम पहले उसके ऐड करते हैं कुछ उसके पहले ऐड करेंगे दैट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स ठीक है प्री का मतलब पहले फिक्स का मतलब लगाना तो नाम से पहले हम कुछ ऐड करते हैं ठीक है जैसे आप किसी आदमी का नाम लिखते हो आप मिस्टर लिखते हो सर लिखते हो ठीक है वो क्या हो रहे हैं उनके नाम से पहले लग रहे हैं प्रीफिक्स तो उसके आगे एक टर्म आती है वर्ड रूट वर्ड रूट आपको बताता है कि कितने कार्बन हैं उस कंपाउंड में मेन चेन में कितने कंपाउंड है सॉरी कार्बन है फिर उसके लास्ट में एक कुछ ऐड होगा दैट इज़ कॉल्ड सफिक्स सफिक्स मतलब जो पीछे ऐड होता है ठीक है तो तीन चीज़ें अभी ठीक है ये तीन आगे फर्दर डिवाइड होती हैं बट अभी के लिए आप रख सकते हैं कि एक होता है वर्ड रूट उससे पहले कुछ लगाया जाता है प्रीफिक्स और उसके बाद कुछ लगाया जाता है दैट इज़ सफिक्स तो जो वर्ड रूट है ये आपको बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन हम एक पेरेंट चेन डिसाइड करते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है ये उससे आता है तो वर्ड रूट एक कार्बन के लिए होता है मिथ दो कार्बन के लिए होता है इथ तीन के लिए प्रॉप चार कार्बन के लिए ब्यूट पांच कार्बन के लिए पेंट सिक्स कार्बन के लिए हैक्स फिर हैप्ड फिर ऑक्ट ओके okay, तो इस तरह से ये चलता है वर्ड रूट फिर सफिक्स में जैसे आपने कहा इथेनोल प्रोपेनोल ठीक है तो आपने क्या लगाया आगे एंड में उसके प्रोप एनोल मिथ एनोल ठीक है या आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को कहा मिथेनोइक एसिड तो मिथ के आगे क्या लगाया एनोइक एसिड ठीक है तो सफिक्स में भी दो इसके डिवीज़न हो जाते हैं एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक आ जाता है सेकेंडरी सफिक्स ठीक है प्राइमरी के अंडर आपके आते हैं एन इन आइन मतलब सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन जैसे मिथेन प्रोपेन ब्यूटेन डबल एंड तो इथीन प्रोपेन ब्यूटीन ठीक है ट्रिपल होगा तो इथाइन प्रोपाइन सेकेंडरी में आपके जो फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे लास्ट में अल्कोहल में ओल लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगता है ठीक है वैसे प्रीफिक्स में भी कुछ लगेंगे तो ये एक तरीका है ठीक है ये एक रूल है इस तरह से हम नाम लिखते हैं तो पहले बात करते हैं हम सिंपल हाइड्रोकार्बन्स की ठीक है एल्केन्स क्या हम बात करते हैं तो एल्केन्स में प्रीफिक्स अभी हमने कुछ नहीं है कुछ नहीं लगाया सिंपल एल्केन्स हैं तो प्रीफिक्स भूल जाए वर्ड रूट प्लस क्या होगा वहाँ पे सफिक्स तो इनमें जो सफिक्स लगता है एल्केन में वो एन होता है तो यहाँ से एल्केन से ही वर्ड पता लग रहा है देखिए एन एन ये सफिक्स है एल्क मतलब अल्काइल ग्रुप मिथाइल है इथाइल है प्रोपाइल ओके तो यहाँ पर ये टेबल दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन टू फोर तो हम जानते हैं मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन फाइव के लिए पेंट एन ठीक है तो पांच कार्बन का आ गया पेंट उसके आगे सफिक्स क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन सिक्स कार्बन के लिए हेक्सेन एन सेवन के लिए हेप्टेन आठ के लिए ऑक्टेन नाइन के लिए नॉन एन टेन के लिए डेकेन undecane dodecane tridecane तो ये एक बार आप लिखें इसको और एक बार इसको याद करें ठीक है आपको एटलीस्ट थर्टीन या फिफ्टीन तक तो ये याद होने चाहिए तो हमने इस तरह से लिख दिए ठीक है अब एल्केन में अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगा दें तो क्या होता है अब इसमें अगर हम हेलोजन यहां पर अटैच करते हैं तो हेलोजन में याद रखना है कि इनमें प्रीफिक्स लगता है हेलोजन का नाम पहले लगता है ठीक है प्रीफिक्स होता है हेलो फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोरीन लगा रहे हैं तो क्लोरो ब्रोमीन लगा रहे हैं तो ब्रोमो फ्लोरीन लगा रहे हैं तो फ्लोरो आयोडीन लगा रहे हैं तो आयोडो ठीक है और जो सफिक्स है वो क्या होगा एन ईन आइन क्या आप सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड ले रहे हैं डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले तो हम सिंगल बॉन्ड वालों से स्टार्ट करेंगे एलकेन के एंड में हम लगाएंगे हेलोजेंस तो सिंपल है एक कार्बन का सी एस थ्री सी एल ये क्या हो जाएगा देखिए हेलो मैंने कहा ना पहले लगेगा प्रीफिक्स तो क्लोरीन लगी थी तो क्लोरो को पहले लिखा एक कार्बन है तो मिथ और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन तो क्लोरो मिथेन वैसे ही अब चेन थोड़ी सी बड़ी करते हैं सी एच थ्री सी एच टू मान लीजिए बी आर कर दिया तो हेलोजन लगी है हेलोजन में प्रीफिक्स लगता है तो प्रीफिक्स क्या आ जाएगा ब्रोमो और दो कार्बन है तो इथ और सिंगल बाउंड है तो एन तो ब्रोमो इथेन तीन कार्बन लेते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू क्लोरो तो तीन कार्बन हो जाएंगे तो क्लोरो पहले लगेगा क्लोरो प्रोपेन यहां पर आपने गैप नहीं देना है ठीक है क्लोरो मिथेन के बीच में कोई गैप ऐसा नहीं आएगा कि क्लोरो लिखेंगे फिर हम स्पेस देंगे फिर मिथेन लिखेंगे नहीं कॉन्टीन्यूटी में आपको लिखना है ओके तो चार कार्बन ले, ले लेते हैं यहाँ फ्लोरीन लगा देते हैं तो ये क्या जाएगा फ्लोरो ब्यूटेन ओके okay, तो हेलोजन के लिए सिंपल एल्केन्स हम लिख रहे हैं इन और आइन अभी हम नहीं पढ़ेंगे ठीक है अब नेक्स्ट कैटेगरी एल्कोहल की ले लेते हैं एल्कोहल में हम क्या ग्रुप लगाते हैं ओ एच ओ एच में अपने अब सिर्फ हेलोजन ही प्रीफिक्स में लगते हैं मतलब पहले लगते हैं बाकी के सारे जो फंक्शन ग्रुप्स हैं वो आपके मेनली सफिक्स लगेंगे मतलब पीछे ही लगेंगे नाम में तो अल्कोहल, तो इसका सफिक्स क्या है ओल ठीक है मिथेनोल इथेनोल प्रोपेनोल तो देखिए ये जो ओल है यही इसका सफिक्स है तो सिंपल एग्जांपल लें सी एस थ्री ओ एच एक कार्बन आपने पढ़ा है मिथेनोल दो कार्बन का क्या होगा प्रीफिक्स अब यहां कुछ नहीं है दो कार्बन है तो इथ सिंगल बॉन्ड है तो एन ओ एच लगा तो ओल तो इथेनोल तीन कार्बन के लिए प्रोपेनोल चार कार्बन के लिए ब्यूटेनोल ठीक है तो इस तरह से आप अल्कोहल भी लिख सकते हैं पेंटेनोल हेक्सेनोल हेप्टेनॉल ऑक्टेनोल नोनेनोल ओके देन अल्डिहाइड्स और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये सारा का सारा एक पूरा चैप्टर है इलेवंथ क्लास में आई यू पी और अगर आपको नाम ही लिखना नहीं आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि ये ये कंपाउंड था ये इसने इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया अगर आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो आप रिएक्शन क्या करेंगे ठीक है तो नाम लिखना ये रूल्स आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए और आने वाली दो क्लासेज में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़नी है तो अभी से इसको आप थोड़ा एडवांस लेवल पर भी अगर तैयारी करेंगे तो नेक्स्ट लेवल बहुत ईजी लगेगा आपको तो एल के लिए भी सफिक्स होता है दैट इज अल ठीक है अब देखिए अल को कैसे यूज करेंगे अब यहां पर जो सबसे सिंपलेस्ट है दैट इज एच सी एच ओ एक ही कार्बन है इसमें हाँ इसमें ध्यान ये रखना है कि जो अल्डीहाइड में कार्बन होता है वो सी एच ओ ग्रुप का भी काउंट होता है ऐसा नहीं कि आपको इसके अलावा जो कार्बन है वो काउंट करने हैं इसका कार्बन भी काउंट होगा तो एक कार्बन है तो मिथ अब सी एच ओ में तो डबल बॉन्ड है उसकी बात नहीं कर रहा मैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल है कि सिंगल है आप बोलेंगे कार्बन ही एक है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की तो बात ही नहीं तो ये आ जाएगा सिंपल मिथेनल अब दूसरा आ जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ अब यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है दो कार्बन है तो इथ क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन और सफिक्स लगेगा अल तो इथेनल तीन कार्बन लिख देते हैं ठीक है सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ तो ये हो जाएगा प्रोपेनल और अगर हम चार कार्बन लिख दें ब्यूटेनल तो नल आपको लगाते जाने हैं ठीक है थीके? तो बहुत सिंपल है तो अल्डी के बाद हम किटोन्स कीटोन्स में भी सफिक्स लगता है प्रीफिक्स नहीं लगता तो प्रीफिक्स किस में लगा था हेलोजेंस में लगा था बाकी सब में क्या लग रहा है सफिक्स मतलब सब में नाम के एंड में आप कुछ लगाएंगे जिससे पता चलेगा कि किस फैमिली की बात हो रही है अल का मतलब है अल्डीहाइड्स हैं ओल का मतलब है एल्कोहल्स हैं तो किटोन्स के लिए ओन ठीक है इट इज़ नॉट वन इट इज ओन तो सिंपलेस्ट क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए तो जो सिंपलेस्ट है वो ये होगा इसमें तीन कार्बन हैं ठीक है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो तीन के लिए क्या लिखेंगे हम वर्ड यूज करेंगे प्रोप सिंगल बॉन्ड सारे तो एन और लास्ट में ओन तो प्रोपे नोन ठीक है अब ये लिखते हैं हम चार कार्बन हैं तो ये हो जाएगा ब्यूटेन टू ओन अब यही चीज वैसे आपको बुक में तो नहीं बताई गई है क्योंकि ये तो सिमिट्रिकल था लेफ्ट में सी एच थ्री राइट में सी एच थ्री बीच में डबल बॉन्ड ओ तो आपने सीधा लिख दिया प्रॉपर एन ओन यहां पर लेफ्ट में एक सी एच थ्री है राइट right में सी एच टू सी एच थ्री है तो ये जो ओन लगा है ये कहाँ लगा है ये बताना बहुत जरूरी है तो हम लेफ्ट से नंबरिंग इसकी करते हैं कार्बन्स की वन टू थ्री फोर दूसरे कार्बन पे ये ओन लगा हुआ है तो इसीलिए ओन के पहले मैंने उसकी पोजीशन को डिफाइन किया कि कहां लगाए टू पे तो ब्यूटेन टू ओन ठीक है और मैंने राइट से क्यों नंबरिंग नहीं की वन टू थ्री जहां से नंबरिंग नजदीक पड़े वहीं से करते हैं तो लेफ्ट से नजदीक पड़ेगा ओन तो लेफ्ट से किया ठीक है तो ये नंबरिंग अभी आपके इस क्लास के सिलेबस में नहीं है बट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जब हम आगे नेमिंग में जाएंगे तो यहाँ हम नंबरिंग भी करेंगे चेन की और ये फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशंस पे लगे हैं वो भी हम लिखेंगे ठीक है जैसे अल्कोहल आपका ज़रूरी नहीं है हमेशा एक ही पोजीशन पे लगाओ कहीं बीच में भी लगा सकता है कार्बन चेन के तो वहाँ पर आपको उस कार्बन का नंबर लिखना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे वो लगाए नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड तो यहां पर सफिक्स इज ओइक एसिड तो सबसे सिंपल होता है एच सी ओ एच और ये कार्बन भी काउंट होगा तो सिंगल कार्बन है तो मिथ एनोइक एसिड अब टू कार्बन के लिए अगर हम लेंगे तो सी एच सी ओ एच तो ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड अब तीन कार्बन के लिए आप लिख लिए क्या होगा सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच दैट इज प्रोपेनोइक एसिड तो वैसे ही ब्यूटेनोइक एसिड पेंटेनोइक एसिड ठीक है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए अब देखते हैं नेक्स्ट इज एल्की डबल बॉन्ड ओके तो एल्कीन में जो सफिक्स होता है अब तक हमने एन लगाते आए अब क्योंकि डबल बॉन्ड है तो यहां पर लगेगा इन उसके आगे कुछ नहीं लगता ठीक है जैसे हम यहां पर ऐसे एन के आगे ओइक लगाया एल्किन्स में सिर्फ इन लगता है तो ये जो इन है यही इसका सफिक्स है तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू दैट इज दो कार्बन इथीन अब तीन कार्बन लेते हैं और एक डबल बॉन्ड हम लगा देते हैं अब यहां पर जब डबल बॉन्ड लगा है तो इसका नाम क्या होगा तीन कार्बन है तो प्रोप इन चार कार्बन ले लेते हैं अब चार कार्बन में पॉसिबिलिटीज अलग अलग हैं चार कार्बन में दोनों तरह से लिख सकता हूं ना मैं देखिए वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर पहले स्ट्रक्चर में वन और टू कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है दूसरे में टू और थ्री के बीच में डबल बॉन्ड है तो अब अगर मैं इनको सिंपली इसको मैं सिंपल ब्यूटीन लिख दूँ तो कंफ्यूजन ये क्रिएट होगा कि सामने वाले को समझ नहीं आएगी कि इन वन और टू के बीच में लगा है या टू और थ्री के बीच में लगाएं अब ये मत बोलना कि थ्री और फोर के बीच में भी लग सकता था क्यों ये पहला वाले स्ट्रक्चर को उल्टा करेंगे तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा ठीक है तो नंबरिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता हो तो इसलिए हमने यहाँ वन यहाँ से स्टार्ट किया और दूसरा वाला सिमिट्रिकल है दोनों तरफ से बीच में आएगा तो जब ऐसा स्ट्रक्चर हो तो यहाँ पर उसका पोजीशन मेंशन करनी पड़ती है इसलिए पहले वाले को तो आप लिख सकते हैं ब्यूट बट बेटर है कि ब्यूट वन इन लिखें दूसरे वाले को आप लिखें ब्यूट टू इन तो अब हमने स्पेसिफाई कर दिया कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे लगा हुआ है ठीक है वैसे ही यहां पर कितने कार्बन हैं पाँच तो ये कितना हो जाएगा पेंट अब देखिए नंबरिंग कहाँ से चलेगी लेफ्ट से चलते हैं तो टू पे डबल बॉन्ड आ रहा है राइट से चलते तो थ्री पे आता तो जल्दी आना चाहिए ना तो मतलब टू वाला लेफ्ट से जो नंबरिंग है ये करेक्ट है इसलिए नाम जब लिखेंगे तो पेंट टू इन ये लिखा जाएगा तो ये एल्किन्स की नेमिंग हो गई देन ट्रिपल बॉन्ड दैट इज एल्काइन्स तो जैसे एल्कीन में सफिक्स हमारा इन था एल्काइन में क्या होगा आइन तो सबसे सिंपलेसि सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच दैट इज दो कार्बन तो इथाइन फिर सी C थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ये प्रोपाइन यहाँ भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि चाहे आप यहाँ पर ट्रि ट्रिपल बॉन्ड लगाएं या पहले और दूसरे के बीच में लगाएं बात बराबर ही है वो वन पोजीशन पे ही आएगा अगर आप नंबरिंग करेंगे चार कार्बन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड इन दो तरीकों से लग सकता है ठीक है तो बीच में लग सकता है तो ये क्या हो जाएगा ब्यूट टू आइन क्योंकि नंबरिंग करेंगे तो वन टू थ्री फोर टू पे लगाया ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर नंबरिंग हम करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ता हो राइट साइड से तो वन पे लगाए तो वन पे है तो ये बन जाएगा ब्यूट वन आइन ओके तो इस तरह से हम नेमिंग करेंगे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की तो नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल या थोड़े से और प्रॉब्लम हम नॉमल के ऊपर प्रैक्टिस करें और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें दैट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ द कार्बन ओके तो एक बार सारे के सारे नॉर्मल क्लचर के जो रूल्स हैं बेसिक सारे स्ट्रक्चर आपने लिखने हैं इनके नाम प्रैक्टिस करने और याद करने हैं ओके सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर हैव अ नाइस डे